मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज झुंझुनू आएंगे। यहां वो विद्यार्थी भवन में होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। पीसीसी के पूर्व चीफ और पूर्व मंत्री रामनारायण चौधरी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व विधायक और उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी के मुताबिक सभा में राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी तरुण कुमार, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मास्टर भंवर लाल और अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद भी संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पीएम आशा योजना के तहत संचालित मूल्य समर्थन योजना के दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग उठाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से दलहन और तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए भारत सरकार की इस योजना में संशोधन की मांग की, जिससे राज्य के किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। महाराष्ट्र दौरे से लौटे सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और बीजेपी की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी देश में एक पार्टी सिस्टम चाहती है जो लोकतंत्र के लिए घातक है। सीएम गहलोत का केंद्र पर करारा हमला, बीजेपी को विपक्ष पसंद नहीं, बोले गहलोत लोकतंत्र के लिए खतरा है बीजेपी की विचारधारा। पर जनता भी नहीं समझ पा रही है और वो राष्ट्रवाद के नाम पे, हम राष्ट्रवाद है ही नहीं, राष्ट्रवादी हम नहीं है। खाली बस बीजेपी सर्टिफिकेट देगी, जो बीजेपी सर्टिफिकेट देगी वो राष्ट्रवादी होगा। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर मरुधरा लौटे सीएम गहलोत ने बीजेपी की राजनीति पर करारा हमला किया। सीएम बोले कि पूरा देश राष्ट्रवादी है, लेकिन बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा बार बार उछालती है। राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर अभी भी राजनीति बीजेपी वही चल रही है, जबकि लड़ाई होनी चाहिए विचारधारा की, नीतियों की और कार्यक्रमों के आधार पर। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में रोजगार से लेकर अर्थव्यवस्था तक की हालत खास्ता है, लेकिन बीजेपी को न तो विपक्ष का सवाल पूछना पसंद है और न ही बीजेपी देश में विपक्ष का अस्तित्व चाहती है। ये इनकी सोच फासिस्ट सोच है, इनको नहीं मतलब कि पब्लिक क्या सोचती है, इनको नहीं मतलब कि राजनीतिक पार्टियां जो दूसरी है उनके क्या विचार है। डेमोक्रेसी के अंदर आप सत्ता में जरूर हो पर विपक्ष की भावनाओं का भी आदर करना पड़ता है, विपक्ष क्या सोचता है उसको भी तवज्जो देनी पड़ती। इनके लिए विपक्ष मायने कुछ नहीं, इनका मतलब है सिर्फ एक पार्टी का शासन हो देश के अंदर। लोकतंत्र को खतरा आज देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, आज डेमोक्रेसी देश में खतरे में है। अब ये समझे या नहीं समझे, समझना पड़ेगा एक दिन। तो हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, ना आरएसएस वालों से है ना बीजेपी वालों से है। निकाय चुनाव में हाइब्रिड मॉडल अपनाने के अपने सरकार के फैसले को सीएम ने मौजूदा माहौल के मुताबिक बताया। जो हमने जो अभी तय किया है सोच समझ तय किया है, क्यों बिना मतलब का राजस्थान में कठोरता बढ़े। पहले हमने खुद ने किया कि सीधा चुनाव हो, बाद में देखा भी धारा 370 की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म के नाम पर सोसाइटी डिवाइड कर रखा है, पूरे समाज को धर्म के नाम पर डिवाइड कर रखा है। ऐसे में और चुनाव होंगे और खाई बढ़ेगी, होस्टेडिंग बढ़ेगी, तो फिर उन्होंने खुद ने बढ़े ही किया उसका बताया। वो जब हमने डायरेक्ट चुनाव कराए थे उन्होंने उसको बदल दिया था, तो क्या उस वक्त होस्टेडिंग नहीं हुई थी क्या, ये उनको पूछना चाहिए आपको। सीएम गहलोत ने खिमसर और मंडावा सीट के उपचुनाव में जीत का दावा दोहराया। देखो हमारा पूरा प्रयास, हम जीतेंगे दोनों जगह, ये पूरी उम्मीद है। तैयारियां पूरी हैं आप लोगों की? पूरी तैयारियां हैं, पूरी कैंपेन अच्छा चल रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स पब्लिक का है। सीएम गहलोत ने कहा कि इस बार बीजेपी का माया जाल उनके काम नहीं आएगा और कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।